ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला गया है, जो अब चाबी होगा। पहले वो स्टिक चुनाव चिन्ह के साथ लड़ती थी। सोमवार को लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में नए चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद इसकी चर्चा है। राजभर की पार्टी घोसी लोकसभा चुनाव पर किस्मत आजमाई थी, लेकिन उस हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव के बाद से ही सुभाषपा चुनाव चिन्ह बदलने पर मंथन कर रही थी। बता दें कि घोसी लोकसभा चुनाव में चुनाव चिन्ह को लेकर उपजे भ्रम से सबक लेते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा ने अपना चुनाव चिन्ह ही बदल दिया है और उसे चाबी कर लिया है। अब तक पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी था। इसके साथ ही पार्टी की नई कार्यकारिणी का भी गठित किया गया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर को दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेटे अरविंद राजभर को महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद कश्यप को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमचंद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव क्षेत्र करहल के रहने वाले हैं। वहीं 25 जिलों में नए जिलाध्यक्ष और मोर्चा व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर छड़ी चुनाव चिन्ह घोसी से चुनाव लड़े थे। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हॉकी चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरी थी, जिसे 45,000 से अधिक वोट मिले थे। उस समय ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि दोनों चुनाव चिन्ह एक जैसे होने की वजह से मतदाता भ्रमित हो गया था और निर्दल प्रत्याशी को वोट दे दिया था। उसी वक्त पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर यानी कि उसे बदलने का फैसला किया गया। राजधानी के रविंद्रालय में सोमवार को सुभाषपा की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें पार्टी के नए चुनाव चिन्ह की घोषणा हुई है। सुभाषपा अध्यक्ष के दूसरे बेटे अरुण राजभर को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए अरुण ने बताया है कि पिछले एक महीने तक प्रदेशास्तरीय सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने सक्रियता से काम किया। ऐसे ही सक्रिय लोगों को पार्टी संगठन में दायित्व दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर सक्रिय सदस्यता अभियान जारी रहेगा और इन सक्रिय सदस्यों को ही आगे प्रमुख जिम्मेदारी दी जाएगी। सालिक यादव को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राम ललित चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, परितराम राजभर को राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी, विनोद राजभर को, कल्लू राम प्रजापति व राम श्रेय पासवान को राष्ट्रीय सचिव, अशोक अग्रवाल को राष्ट्रीय व्यापार प्रकोष्ठ का महासचिव और राधिका पटेल को राष्ट्रीय महिला मंच का अध्यक्ष बनाया गया है। लिहाज में प्रदेश को चार भागों में बांटते हुए पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड के लिए भी अध्यक्षों की भी घोषणा की है। इसमें MLC विच्छेलाल राजभर को पूर्वांचल, अमर मणि कश्यप को मध्यांचल, सुजीत बंजारा को पश्चिमांचल और कालू राम प्रजापति को बुंदेलखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नरेंद्र कश्यप को पश्चिमांचल युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस मौके पर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री OP राजभर ने कहा है कि प्रदेश में मदरसों की मान्यता की नई व्यवस्था शुरू होगी, साथ ही हम 2 विश्वविद्यालय खोलने पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को विश्वविद्यालय से संबंध कराने और मदरसों को मान्यता देने पर भी विचार करेंगे। उन्होंने अब तक ऐसा न कर पाने के लिए सपा और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि सुभाषपा गरीबों, वंचितों, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और पीड़ितों के हितों की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में मजबूती से आगे भी उतरेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।